ये है दिल्ली दर्पण। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूं तो देश और देश की राजधानी दिल्ली में छोटे बड़े अनगिनत कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन नॉर्थ दिल्ली के जहांगीरपुरी में लोगों ने कुछ इस अंदाज में कार्यक्रम किए कि ये एकता, भाईचारे और परस्पर सहयोग की मिसाल बन गई। जी हां, जहांगीरपुरी के जो पार्क एक साल पहले नशेड़ियों के अड्डे बने हुए थे, वो आज हरियाली से भरे हुए हैं और वहाँ साफ सफाई भी है। आज इन्हीं पार्कों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलग अलग 6 जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का सहयोग काबिले तारीफ था। इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे बादली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिव देवेंद्र यादव। झंडोत्तोलन के साथ साथ कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने पार्कों में हाई मास्ट लाइटों का उद्घाटन भी किया। स्थानीय निगम पार्षद पूनम बागड़ी और कांग्रेस नेता अश्विनी बागड़ी के प्रयासों से जहांगीरपुरी के ये तमाम पार्क आबाद हो चुके हैं। ये तस्वीरें इस बात को साबित करती है और यहाँ की जनता भी यही मानती है। 15 अगस्त के दिन 6 अलग अलग जगहों पर जहांगीरपुरी में एक से एक और बिल्कुल अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तो कहीं एकता और भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए स्थानीय लोगों ने साफ संदेश दिया कि वो हर परिस्थिति में एक साथ हैं। जहांगीरपुरी के अम्बेडकर पार्क में तो बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद क्षेत्र का सबसे ऊंचा और बड़ा तिरंगा फहराया गया। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। इस मौके पर यहां कबड्डी चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने सबको प्रोत्साहित किया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए परस्पर सहयोग, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। खुशी के साथ एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, जो सम्मान है, एक दूसरे की भावना को जिस तरीके से समझते हुए एक दूसरे के साथ ये आज़ादी के इस जश्न को मनाने के लिए पूरे खुशी का माहौल ना सिर्फ जहांगीरपुरी में बल्कि बादली विधानसभा के पूरे क्षेत्र में है। जहां एक ओर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया, वहीं कुछ स्थानीय युवाओं के द्वारा ये हैरतअंगेज करतब देखकर लोग हैरान रह गए। एक ही क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर देशभक्ति से सराबोर माहौल और हर कार्यक्रम एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन संदेश साफ था, विविधता में एकता का। हमने एक संकल्प लिया था कि हम जहांगीरपुरी के सभी पार्कों को हरा भरा करेंगे और नशेड़ियों से मुक्त करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वो दिन आया जहाँ जहांगीरपुरी में वार्ड नंबर 21 के बच्चों ने अपने आप देशभक्ति मनोरंजन कार्यक्रम किया, कबड्डी का कार्यक्रम हुआ और एक जगह तो बहुत ही मन प्रसन्न हुआ जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ने मिलकर के एक सद्भावना की मिसाल देते हुए बड़े झंडे को फहराया। सब लोगों ने आज मिलकर के एकता दिखाई है और सबको ये संदेश दिया है, भाईचारा दिखाया है कि सबको ऐसे मिल के रहना चाहिए और इसी तरह से देश खुशहाल होता है। आज सब ने एकता दिखाई है, सभी ने मिलकर बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और सभी ने अपने अपनी पार्कों में
एक से एक बढ़कर प्रोग्राम किया है, बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम किया है, जिससे देख करके मन बहुत खुश हुआ है। आजादी की इस वर्षगांठ के मौके पर जहांगीरपुरी के पार्कों को नशा मुक्त करने की घोषणा हुई तो पूरे क्षेत्र को नशा मुक्त करने का संकल्प भी लिया गया। संभव है कि अगले स्वतंत्रता दिवस पर आपको ये बदली बदली तस्वीर और भी बेहतर और शानदार दिखाई देगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर